जहां पर अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने लोरमे की बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि लोरमे क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, साथ ही लोरमे क्षेत्र के 30 से 35 गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा रहा है। लोरमे का बिजली विभाग निकम्मा हो गया है। आज लगातार एक महीने दो महीने से ग्रामीण आ रहे हैं अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे का बोलबाला है, बाकी ग्रामीणों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज 19 गांवों का जो समस्या है ट्रांसफार्मर का, लो वोल्टेज का, उन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी उच्चाधिकारी से बात हुई हमारी दीवान जी से, दीवान जी का कहना है बुधवार को मैं आ रहा हूँ, आपका प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ बैठ जाए और हम उसको हल कराएंगे समस्या को। हम आपको आपके माध्यम से बता रहे हैं, बुधवार को बैठेंगे और गुरुवार तक अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हम सड़क इनके द्वारा जो भी समस्याएं हैं उसका ज्ञापन दिया गया है, इसे मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर जो भी होगा निराकरण किया जाएगा। सर, बिजली की लगातार कटौती हो रही है, क्या कारण से कटौती की जा रही है? अब इससे ज़्यादा मैं जानकारी अभी नहीं दे पाऊंगा, बाकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर की जाएगी।